Guys, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं बहुत सिली टॉपिक्स पे वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या? जब सिली टॉपिक्स ही हो रहे हैं तो आदमी जाए तो जाए, इंसान जाए तो जाए कहाँ? अरे मुझे क्या पता, एक तो मेरी हरकतें आदमी हो, ऊपर से मैं बोल भी अपने आप को आदमी देती हूँ। Guys, अब इंटरनेट पे एक भाई बहन के जोड़े की लड़ाई हो रही है। अब बताओ, ये भी फेम लेने वाली चीज है? यहाँ साला रोज होते रहता है, अब तो घर पे ही कोई भाव नहीं देता कि इन लोग का रोज का है, छोड़ो हटाओ। इन दोनों को पता नहीं क्यों लग रहा है कि पूरे इंटरनेट को फर्क पड़ेगा। वो तो मैं अच्छी इंसान हूँ इसीलिए वीडियो बना रही हूँ, वरना मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो गाइस, टीम 07 का एक पट्टा अदनान शेख, उसकी शादी हुई है और बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग हिज ओन बहन बोल रहे हैं कि वो लड़की हिंदू है और इसीलिए इंटरनेट पे इतना गर्दा मचा हुआ है। मेरे को पता है ये बहुत सीरियस टॉपिक है और मैं बहुत कैजुअली बात कर रही हूँ, लेकिन बच्ची तो है नहीं वो। अच्छा। मेरे को उसके फोटोज और वीडियोज देख के जहाँ तक लग रहा है शी इज अ ग्रोन अप वुमन, उसको तो समझ आना चाहिए उसके लिए क्या सही क्या गलत है। पूरी दुनिया क्यों लड़ रही है, क्या पता वो बहन चुत खुश हो उधर कि नहीं बहुत अच्छा कर लिया मैंने, बहुत अच्छा कर लिया, तो बहुत अच्छा रहने दो ना उन लोग को। अब अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ रहता तो समझ आता कि चल ब्रेन वॉश या जो भी, यहाँ हम लोग कुछ नहीं बोल सकते यार, वो अपनी मर्जी से अपने आप को कवर भी कर रही है इतने टाइम तक कि बवाल ना मचे, लेकिन बवाल मच गया। या फिर क्या पता जानबूझ के ही कवर किया हो कि उसकी बहन उसका फेस रिवील कर सके और उसके बाद सारा ड्रामा क्रिएट हो शादी के अराउंड, क्योंकि अदनान ने और भी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज करी है जिसका मीम पेजेस ने कोई भी पोस्ट नहीं किया है कभी, इसका ही क्यों? और इन लोग को ये बेकार सी कॉन्ट्रोवर्सीज करके लग रहा है कि दुनिया को फर्क पड़ेगा। अच्छा। दुनिया बकलोल नहीं है चुमती, दुनिया अब समझदार हो गई है। ये सुनने में भी सीरियस नहीं लग रहा है कि अदनान की बहन ने उसका पोल खोल दिया, अब वो इसकी पोल खोलेगा फिटूस। तो अदनान शेख की सगी बहन ने खोल ही दी अपने भाई अदनान की पोल। जी हाँ, उन्होंने कुछ फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है जो कि आयशा है, और आयशा की पुरानी फोटोज है जब वो रिद्धि के नाम से जानी जाती थी, और अदनान शेख की बहन ने इन फोटोज को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया था। वैसे आपको ये लगता है ये सच में आयशा ही है या नहीं, कमेंट कर। मुझे लगता है ये वही है क्योंकि इसकी आंखें ना सेम लग रही हैं, बट ये मोटी हो गई यार, पहले बहुत ज्यादा ऐसे फिट सुंदर छरहर सी लग रही है। ऐसे मैंने पहली बार एक बकलोल मराठी औरत देखी है, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी मराठी औरतों को देखा है, दे आर वेरी फन लविंग, वेरी स्मार्ट, वेरी विटी। पहली बार मैं किसी बकलोल मराठी औरत को देख रही हूँ। लेकिन अब जब ये सब कुछ इतना हो रहा है, मेरे को नहीं लगता कोई भी इस फैक्ट इस वर्ड से अनइंट्रोड्यूस होगा अभी तक कि ऐसा हो रहा है दुनिया में, ऐसा लोग कर रहे हैं जानबूझ के भी। मेरे को नहीं पता इस मैटर में जानबूझ के किया गया है या नहीं, और अगर फिर भी उसने यही डिसाइड किया कि उसको शादी करनी है अदनान से, तो वह चोद हम लोग कौन ही है बोलने वाले, मतलब मैं तो बोल सकती हूँ क्योंकि मेरा काम ही यही है। तुम लोग मत बोलना, तुम लोग भी बोलो। जब इंस्टाग्राम डाउनलोड कर ही लिया है तो कमेंट करने से पीछे क्यों हटना। हाय आयशा, How do you feel about the outfit? It's an amazing outfit. इसकी आवाज़ उर्फी जावेद जैसी नहीं है? Did you really your dream? तो मैंने मदिया को आउटफिट की बात करी रहे तो भाई क्या मास्क बनाया है यार, कोरोना के टाइम्स में इतने बेकार बेकार मास्क लगाए घूमने पड़ते, तो मैं कितना ढूंढती थी कुछ तो एक अच्छा डिजाइन इससे मिल जाए, लेकिन नहीं, इसने मास्क अच्छा बनाया है। में आके ये बोला था कि मुझे बेस्ट दुल्हन बनना है, तो फाइनली उन्होंने ये चीज पूरी कर दी है। मुझे नहीं लगता है कोई भी चीज की कमी है ये चीज में। ये मेरे को जन्नत जुबैर जैसी भी लग रही है, मतलब आवाज से कान में आके क्यों बोला, लेकिन इसने कोई और सुन लेती तो वो बन जाती क्या बेस्ट दुल्हन बनना है। मेरे को नहीं लगता, लड़कियां सो डम दीस डेज, कोई और सुनती तो भाग जाती वहाँ से। अरे बाप रे, दुल्हन ऐसी? नहीं 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 नहीं, नाक और मुंह में ऐसा क्या है? ये हिंदू से मुस्लिम हुई है, फेस लिंडूस की नजर ना लगे इसकी फेस हाइड है। क्या मतलब, शादी के पहले हिंदू उस पर नजर डालते ही नहीं थे? शी वॉज ब्यूटीफुल यार, कोई भी देख के तारीफ करता होगा। अब यहाँ मास्क के वजह से चेहरा दिख नहीं रहा तो कुछ अच्छा बुरा बोल ही नहीं सकते। बाकी उस बेचारी को भी लगा कि मैं काम ही ऐसा कर रही हूँ कि मुंह छुपाना पड़ेगा। अच्छा, तभी उसने डिजाइनर के कान में जाके बोला कि देखिए मेरे को मुंह छुपाना है अपना, तो उसके लिए आप कुछ इंतजाम कर सकते हैं क्या? इधर से छुपा हुआ सा लगे पूरा, मास्क बना देते हैं, डिजाइनर मास्क बनाते हैं। It's been 12 days since we got married. Yes, baby. And till today you have not taken off your hijab. Tell me why. Indonesian man discovers his wife is a man after 12 days. क्या मतलब, अदनान की शादी में भी ऐसी हो गई है, इसीलिए अदनान बौखलाया हुआ है। फोटो रिवील क्यों किया इसने? अरे बहन, वही तो नहीं है ये दुल्हन की जगह दुल्हा मिल गया है मुझे। अदनान कैसा था? How did Aisha look?
बहुत अच्छी लगी थी. बिकॉज यू हैव टू टेल अस, बिकॉज हम लोगों को आयशा को देखने नहीं मिलेगा ना बाकियों को, तो आप बताओ. भाई डरा डरा सा लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सच में आयशा अजाज निकली बे. तो हाउ डिड आयशा लुक? अच्छी लगी थी माशाल्लाह, और शादी के दिन और भी अच्छी लगी थी. आमीन. कपड़ा भी बहुत ही अच्छा बना है दोनों भी. उम्मीद करते हैं दो ही दिन बचे. इतना ज्यादा नर्वस है बेचारा कि इसको लगा उसने घड़ी पहनी है. दो ही दिन बचे भाई. लेकिन ये लड़की मोटी नहीं लग, मतलब फोटोज जो उसके पहले के आ रहे हैं उसमें वो काफी फिट लग रही है. और जहाँ तक मेरे को पता चला वो पहले एयर हॉस्टेस थी, तो बहुत फिट लग रही है वो. ऐसे लोगों को तो अपने लुक्स की परवाह हमेशा रहती है, लेकिन वो शादी के टाइम ही ऐसा अजीब मोटी सी नहीं लग रही है. ऐसा क्यों लग रहा है? शी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट एंड देन शी इज गेटिंग मैरिड. ऐसा क्यों लग रहा है गाइस? और ज्यादा इंग्लिश बोल दो. इस चुतिये को समझ आया होगा कि नहीं, मेरे को तो उस चीज का टेंशन. ओ भाई, वो कसम से इतना नर्वस लग रहा है ना लड़की की बात सुन के जो भी कैमरा के पीछे है, कि मेरे को भी ऐसा लग रहा था. इसको समझ नहीं आ रहा है क्या कि क्या बोल रही है वो? इन लोग की शादी थी तो चलो मुंह छुपा के चल गया, लोग उल्टा खुशी हो रहे हैं मुंह नहीं दिखाया है इसने. लेकिन हमारी शादी में अगर तुमने अपना मुंह नहीं दिखाया, शादी तो हो ही नहीं सकती अगर मुंह नहीं दिखाया तो. नो फेस नो डील, विच इज गुड भाई. अब जिन लोग की औकात की नहीं है लव मैरिज करना, वो लोग अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट रहेंगे कि चलो देख के बताओ लड़की सही है लड़का सही है कि नहीं. पहले माँ बाप वेरीफाई करते हैं, फिर जाता है वो आदमी लड़का लड़की तक, which is so good. I love it भाई. यही आयशा बोल रही होगी सुहाग रात के दिन. तेरा व्लॉग देखा मैं आज स्पेशली तुम्हारे लिए. हाँ. वेज का इंतजाम है तो पहले इसको बिठाओ भाई. हमने व्लॉग में बोला कि भाई शिवानी कैसे झूल रही है वे उस पे हैंगर पे जैसे कपड़ा झूलता है ना, एकदम वैसे झूल गई यार. फिर ये बिग बॉस में आके पता नहीं क्या क्या ज्ञान दे रही थी भाई. लोगों को बुरा लग रहा था जब मैं सच बोल रही थी कि यही तो लड़कों के पीछे पड़ी रहती है और फिर दूसरी लड़कियों को बेशरम बोलती है. भाई भाई अगर मानती है, दोस्त ही मानती हो, लेकिन शादी के दिन तो मतलब दूर रहना चाहिए ना, ऐसे भी दूर रहना चाहिए भाई. आयशा ने नाक तक छुपाया है, आंख बंद नहीं है उसका, दिख रहा होगा उसको सब. अद्दू भाई ने नॉन वेज रखा है, वेज नहीं रखा तो आज देख लो. वेज था पर वेज में ऑप्शन कम था. बहुत 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 बधाई भाई, शादी हो गई. आपके लिए मैं कुछ लाई नहीं, बारिश बहुत तेज. अरे तुम आ गए वही बहुत है. और एंडिंग मैच दूंगी कुछ ना कुछ. अरे नहीं भी एंडिंग मैच दूंगी कुछ ना कुछ. अरे नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. आई एम सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी. शिवानी नहीं सुधरेगी, लेकिन खाने चली गई है, गिफ्ट लेके नहीं गई है, ये नहीं सुधरेगी भाई. इसको ज्ञान सिर्फ देना है, ज्ञान अंदर लेना नहीं है. ये जो मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा है, ये है बांगुर नगर पुलिस स्टेशन. और मैं यहाँ पे कैमरा इतना स्टेबल है कि पीछे का कुछ दिख ही तो नहीं रहा है दीदी. इस वजह से आई हूँ क्योंकि मैं गई थी मेरे अम्मी अब्बा से मिलने के लिए, क्योंकि मैं सोची कि एक कंट्रोवर्सी करते हैं. भाई की शादी में कुछ ड्रामा हुआ नहीं, कुछ तो ड्रामा बनते है ना. ये देखो ये दिख रहा है बांगुर नगर पुलिस स्टेशन. मैं गई थी अपने अब्बा अम्मी से मिलने के लिए, वो हॉस्पिटल के अंदर अदनान ने बहुत मारा है मुझे, मेरे ससुर को भी मारा है. इनफैक्ट हम जब वहाँ से निकल गए हॉस्पिटल के बाहर, तो हॉस्पिटल के बाहर आके भी उसने. क्या बात कर रहे हो भाई, ये लोग लड़ाई घर के अंदर क्यों नहीं करते यार? नहीं गलत बात है, हॉस्पिटल के अंदर मारा ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर नहीं मारना चाहिए था. ये भाई बहन की लड़ाई ना यार, कभी कभी बहुत सिली चीज पे लड़ लेते हैं ये लोग, फिर बाद में नाक बजाते रहते हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया. इतनी सी बात पे कोई रोता है? ये रो रही है ना, मतलब मगरमच्छ के आंसू ही है. लेकिन भाई अदनान भी वैसा ही, वो तो छोटा सा दिखता है, मेरे को पता नहीं था वो छोटा सा फील भी करता है अंदर से. इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा होने की क्या जरूरत थी? मारने लगे हैं, बड़े हो गए हो, एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए. बहुत मारे, मेरा स्कार्फ खुल गया था, लोग रोड पे जमा हो गए थे, मेरे ससुर गिर गए. लोग जमा हुआ रोड पे इसीलिए ससुर गिर गए. आई एम सो सॉरी गाइस, मैं बिल्कुल उठ के वीडियो बना रही हूँ तो इसीलिए मैं कुछ भी बोल रही हूँ. बड़े बुजुर्ग के गिरने पे हंसना तो नहीं चाहिए. आ गया था आमिर सिद्दीकी भी इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसका भी वीडियो बनाया. आमिर सिद्दीकी तो खुद पतला छितला सा है, वो दूसरे के कंट्रोवर्सीज में इतना क्यों टांग लड़ाता है यार? उसको पहले अपनी हेल्थ की सोचनी चाहिए कि भाई जो कोई रख के एक झापड़ दे दे तो जमीन से चिपक जाऊंगा मैं, इससे अच्छा मैं साइड रहता हूँ. लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा भाई. एक भाई बहन के जोड़े में कभी भी किसी और को नहीं आना चाहिए, माँ बाप खुद नहीं आते हैं. ये आमिर सिद्दीकी पता नहीं क्यों आ रहा है, फेस रिवील कर दिया तो कर दिया, क्या ही बुरा हो गया भाई. और ये लोग अपने मम्मी पापा से हॉस्पिटल में मिलने क्यों गए थे यार? बहुत मेस्ड अप कंट्रोवर्सी, ये लोग ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, लोगों को उतना मजा आएगा नहीं अगर ठीक से सारी बात नहीं खुले. मुझे लगता है आयशा को खुद फेस रिवील कर देना चाहिए और उसको एक वीडियो बना के सामने आना चाहिए कि देखो मैं ऐसा 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 फील कर रही थी, या फिर क्या पता वो हो ही ना जो फोटोज अभी आ रहे हैं. खैर गाइस, कोई कुछ भी हो कुछ भी करे उससे.
क्या हमारा तो वीडियो बन गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके फॉलो कर लो। मैं किसकी साइड हूँ? मैं तुम्हारी साइड हूँ क्यूटी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।